कैसे हो मेरे एनसीआर की पब्लिक। आज है 12 तारीख और एक्चुअली मैं 2 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मुझे ना एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और लास्ट डे यानी कल शाम को जब मैं लास्ट 2 डेज की वीडियो एडिट कर रहा था तो बहुत सारा मतलब स्टार्टिंग डे से लेकर अब तक का सारा रॉ डेटा मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो जब रेंडरिंग पे लगी पड़ी है तो जो ओल्ड डेटा उसे डिलीट मार देते क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं था। तो मैंने गलती से जो एडिट में कर रहा था रॉ डेटा को मैं यूज कर रहा था वो भी गलती से डिलीट हो गया। एडिटिंग में रात में कर रहा था और मेरी रात की सारी मेहनत खराब हो गई। वैसे लास्ट 2 दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे और आज का जो व्लॉग है वो आज ही मिल जाएगा क्योंकि मैं आज ही एडिट कर दूंगा क्योंकि लास्ट 2 डे से लोड नहीं हो रही थी। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था पर मे बी मुझे कोई चीज ऑर्डर करनी है, देखते हैं उसकी डिलीवरी कब तक होती है। जैसे ही मेरे पास मेरा पैकेज मिल जाएगा बाहर जाके भी डे में भी व्लॉग शूट करूंगा। अभी मैं नहीं शूट कर पाता क्योंकि मैं कैमरे लेके आउटडोर या कहीं बाहर जाके शूट नहीं कर सकता। बाहर के लिए मुझे अलग से एसेसरीज यूज करनी पड़ेगी तो मैंने ऑर्डर कर रखा है। जैसे वो आता है उस टाइम से हम डे में भी ब्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आज के दिन क्या हुआ ना, आज सुबह जा रहा था बट क्या हुआ मेरे पैर में चोट लगी हुई थी काफी दिन पहले, मतलब 15-20 दिन हो गए थे तो वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसमें से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और उसके साथ 2 चोट और लग गई मुझे। पता नहीं कब लगी कैसे लगी वो नहीं पता मुझे तो इस वजह से मैं आज जा नहीं पाया जहाँ मुझे जाना था। कहाँ जाना था वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखा दूंगा। अभी जस्ट डॉक्टर के पास से दवाई वगैरह लेकर आए हैं, पैरों में जो चोट था मैं भी जल्दी ठीक हो जाए। कल रात में स्केटिंग करना भी सीख रहा था लेकिन उस टाइम में गिरा नहीं, मैंने ठीक ठाक चला लिया था बट फिर भी पैर में पता नहीं कहाँ से लग गई है। अब लग गई है तो फटाफट हील कर लेते हैं। वैसे मैं अभी भी डॉक्टर के पास जाता नहीं अगर मुझे 2 चोट होने लगती तो। मैं चाह रहा था कि मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, मैं सोचा था कि अपने आप ही ठीक हो जाए बट वो अपने आप ठीक नहीं हो रही थी तो फाइनली मुझे दवाई लानी ही पड़ गई। और जो मेरी चोट है मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो आसपास के एरिया बहुत ज्यादा लगी पड़ी है ना, बहुत गंदा दिख रहा है, खाली भी गल चुकी है तो मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता हूँ बट फिर भी मैं घूम सकता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा पेन नहीं है कि मुझे घूमने फिरने में दिक्कत हो या कुछ करने में दिक्कत हो, साइकिलिंग करने में दिक्कत हो, कोई बाहर जाने में दिक्कत हो, ऐसा पेन बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी रात के 8 बजे ना, नहीं 7:58 हो रहे हैं, मतलब 2 मिनट तो 8 बजने में है। पूरे शाम को हमने फोटोशूट बहुत सारे फोटोशूट करे हैं और उसके बाद हमने 7300mm लेंस निकाला और उसके बाद तो हमने कमाल कर दिया। हमने लोगों के घर में झांक झांक के देखा है कि कौन चीज निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसने आज कैसे कपड़े पहने, आज हमने सब कुछ देख लिया। और जो हमारे पीछे मतलब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है वो बड़े अच्छे लगते देखने में और जब हमने उन्हें जूम करके देखा तो उनका जो पेंट था ना इतना बेकार आ रहा था, मतलब व्हाइट और रेड मतलब पेंट नहीं था, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है और कुछ भी नहीं था। पास से भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है लेकिन हमें लगा कि क्या पता हम बहुत टाइम से उस एरिया में ना गए हों और वो एरिया अच्छा हो गया हो बट ऐसा कुछ नहीं था। इसी वजह से बहुत सारे फन की वजह से हम कल सुबह शूट पे जाने वाले हैं, वो पता चलेगा कल सुबह कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरा चुराया हुआ आइडिया, सच होता हूँ तो फोटो शूट पे मैं जाने वाला हूँ और ये कह रहा है मैं जाऊंगा, ये मेरा असिस्टेंट है, बड़ा मजा आया। और यही पे हम अपना व्लॉग खत्म करते हैं, व्लॉग आज खत्म मैं करने वाला हूँ तो जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और यार कमेंट तो जरूर कर देना, बता देना आपको कैसा लगा और आप भी ऐसा लेंस ले लो, बहुत दूर दूर दिखता है। बाय बाय। Thank you.